वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप देख रहे हो मोहित की एक और नई वीडियो। तो भाई आज मैं आप लोगों के लिए जो गाड़ी लेके आया ना, ये है भाई शेवलेट बीट। और ये भाई बीट का ना टॉप मॉडल है, 2010 मॉडल है भाई इसका। और ये गाड़ी ना भाई अभी रिसेंटली ली है मेरे एक दोस्त ने, मतलब बाइक से भी कम प्राइस में गाड़ी ले रखी है भाई ये। सबसे पहले मैं आपको पूरी गाड़ी दिखाऊँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि भाई ये आखिर भाई ने ली कितने रुपये में है। सबसे पहले मैं आपको गाड़ी पूरी चेक करवा देता हूँ इसके भाई। और ये है ना भाई बीट का टॉप मॉडल है, पेट्रोल वेरिएंट है भाई ये। डीजल में भी आती है, पेट्रोल में आती है भाई, पेट्रोल वाला है। और भाई इस गाड़ी में 2010 में हमें कंपनी शेवलेट टॉप मॉडल में क्या क्या प्रोवाइड करवाती थी वो सारी चीज़ें देखेंगे हम भाई इस गाड़ी की। तो शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट से ही। फ्रंट में देखो भाई कुछ इस तरह की इसकी लुक मिलती है हमें। और भाई ये वाली जो लाइट है थोड़ी सी येलो पड़ गई है। इसके अंदर भाई हमें हेलोजन सिंपल बल्ब मिलते हैं, ऊपर की तरफ इंडिकेटर और कुछ इस तरह की हेडलाइट है। नीचे फोग लैंप मिल जाते हैं भाई, ये आफ्टर मार्केट नहीं है भाई, कंपनी प्रोवाइड करवाती है वहीं से। ऊपर से क्रोम, ये भी कंपनी से लगा हुआ है। और भाई बीच में कुछ इस तरह की ग्रिल मिलती थी, ये देखो। अब तो ये गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है काफ़ी साल पहले ही। और भाई इस तरफ की जो हेडलाइट है ये ठीक है भाई, ये पीली नहीं पड़ी है, ये बिल्कुल नहीं दिख रही है। नीचे का इसका फोग लैंप टूट गया है। कुछ इस तरह की गाड़ी है भाई फ्रंट से हमारी ये। भाई साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं तो इसमें हमें सबसे पहले इसका टायर साइज़ देख लेते हैं कि हमें क्या साइज़ प्रोवाइड करवाती थी कंपनी। तो भाई इसमें हमें मिलता था ये देखो 155/70 R14, 14 इंच का स्टील रिम मिलता था। और भाई ये देखो टर्न इंडिकेटर हमें फेंडर पर मिलता था भाई यहाँ पर, ये देखो। और भाई साइड से कुछ इस तरह की गाड़ी लगती है, 2010 मॉडल है भाई ये गाड़ी। और देखो अभी तक मतलब 2023 है, 13 साल में गाड़ी बिल्कुल साफ है। ऊपर की तरफ ये रूफ रेल्स भी भाई कंपनी से ही मिलती है इसमें। बात करते हैं इसके पीछे की, तो पीछे इसमें हमें सबसे पहले तो इसकी टेल लाइट देखो भाई कुछ इस तरह की मिलती है। जो इसके बाद आया था ना एक और वेरिएंट, उसमें पूरी रेड हो गई थी, मतलब ये जो वाइट वाइट थी ना सिल्वर, पूरी रेडिश थी भाई वो वाली। ये शेवलेट की बैजिंग और भाई ये बीट गाड़ी का नाम। और यहाँ पे ना वो भी मिलता है, मतलब इस गाड़ी में वाइपर भी टॉप मॉडल में ना, पर वो टूटा हुआ है भाई तो इसलिए अभी है नहीं। ये देखो भाई पीछे से कुछ इस तरह की गाड़ी हमें देखने को मिल जाती है, मतलब बहुत छोटी सी क्यूट सी गाड़ी लगती है ये ना, मतलब अपने सेगमेंट की। और राइट साइड से भाई हमें यहाँ पे मिल जाता है भाई फ्यूल लिड, यहाँ पे डाल सकते हैं। और भाई कुछ इस तरह की राइट साइड से हमें इसकी प्रोफाइल मिलती है भाई। गाड़ी देख लो भाई कैसी है। अब भाई बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर की, तो इंटीरियर कैसा है भाई 13 सालों में भाई गाड़ी में कितनी क्या कमी आई है जो भी है। तो भाई यहाँ पे हमें मिल जाता है चारों पावर विंडो के कंट्रोल से भाई, नीचे की तरफ ये थोड़ा सामान रखने की जगह। और यहाँ पे वाटर बॉटल होल्डर भी है भाई। अब भाई बात करते हैं चल कितनी रखी है गाड़ी, तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि गाड़ी चली कितनी हुई है। ये देखो भाई 85,000 चली हुई है गाड़ी भाई, 13 सालों में बहुत कम चली है गाड़ी भाई, इतनी ज़्यादा नहीं है, 85,000 किलोमीटर चल चुकी है। और भाई यहाँ पे हमें मिल जाते हैं एसी विंड्स, और भाई ये मिलते हैं हेडलाइट की सेटिंग है भाई, यहाँ से कर सकते हैं। और ये भाई हमारे हेडलाइट के स्विच। और भाई इस तरफ हमें मिल जाते हैं भाई सेम वाइपर के कंट्रोल्स हैं। और ये भाई कुछ इस तरह का म्यूज़िक प्लेयर मिलता है इस गाड़ी में हमें। इसमें भाई 2010 में ब्लूटूथ नहीं आता था, तब तक इसमें ब्लूटूथ नहीं है, ऑक्स और भाई पेन ड्राइव वगैरह की पोर्ट दे रखे हैं, लेकिन इसमें ब्लूटूथ नहीं आता था भाई। कुछ ऐसा इंटीरियर है भाई गाड़ी का। और नीचे की तरफ बात करते हैं तो ऑटोमेटिक एसी मिलता है इसमें हमें। और भाई यहाँ पे कुछ सामान रखने की जगह है दे रखी है, और ये दो ग्लास होल्डर हैं, ये भाई पावर सॉकेट और कुछ इस तरह की गियर नॉब मिलती है इसमें। और यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाता है पूरा। ये देखो भाई गाड़ी का इंटीरियर।
अब बात करते हैं पीछे कितनी जगह है भाई, तो पीछे का और दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। तो भाई पीछे भी हमें इसमें ये देखो पूरी खुली, तीन बंदे तो आराम से बैठ सकते हैं भाई। और पीछे पावर विंडो नहीं है, और भाई एक ग्लास होल्डर पीछे की तरफ भी है। और भाई कुछ ऐसा सीन है पीछे का, गाड़ी का पीछे की तरफ भी भाई ये दे रखे हैं, नेक सपोर्ट पीछे भी हैं। कुल मिलाए गाड़ी भाई बहुत ठीक है। तो भाई अब ना इसका बूट स्पेस और दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। तो देखो भाई इसमें हमें 170 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। इसमें भाई दो तीन बैग बड़े आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है छोटे बैग हो तो। और भाई इस गाड़ी के अकॉर्डिंग बहुत ठीक है बूट स्पेस भी। और नीचे की तरफ भाई ये स्टेपनी मिल जाती है। ये देखो भाई गाड़ी, मतलब देख यहाँ से भी देख के आपको पता चल रहा होगा कि मतलब गाड़ी की कंडीशन कैसी है, बिल्कुल साफ़ है भाई, नीट एंड क्लीन। तो भाई ये इसका कुछ ऐसा बूट स्पेस मिल जाता है। ऊपर की तरफ ये पार्सल ट्रे है, थोड़ा बहुत सामान यहाँ भी मिल जाता है। और भाई स्पीकर इसके ना डोर्स पे नहीं मिलते है कोई भी स्पीकर। ये देखो एक दो दो स्पीकर तो मिल जाते हैं हमें यहाँ डिगी में भाई, और दो स्पीकर भाई हमें मिलते हैं फ्रंट में। ये देखो दिखाता हूँ आपको मैं, यहाँ पे डोर पैनल के ऊपर एक भी स्पीकर नहीं भाई, एक यहाँ पे और एक उस तरफ, चारों स्पीकर हमें यहाँ पे मिलते हैं भाई। डोर पैनल पे कोई स्पीकर नहीं मिलता इस गाड़ी में। अब भाई गाड़ी की अंदर बाहर से हमने सारी देख ली है, बूट का स्पेस कितना मिलता वो भी हमने चेक कर लिया है। अब बात आती है इसके इंजन की। तो भाई इस गाड़ी में हमें मिल जाता है, एवन जो इंजन की साउंड और चेक करा देता हूँ। ये देखो भाई ये है भाई 1199 सीसी का इंजन है भाई, इसमें प्योर पेट्रोल। और ये देखो कोई इंजन में साउंड नहीं है, इसमें कुछ इस तरह का इंजन है भाई। ये देखो इसमें बिल्कुल साइलेंट इंजन है, 13 साल बाद भी इसमें कोई आवाज़ नहीं है भाई। ये देखो 79 bhp की पावर जनरेट करता है भाई ये। भाई इंजन बहुत ठीक है, और इसकी ना इंजन की मतलब कंपनी क्लेम करती है 18.9 की माइलेज देता है, बाकी भाई इतने की देता है नहीं देता, वो सारी इसके ओनर से पूछेंगे। तो भाई गाड़ी की सारी स्पेसिफिकेशंस हमने देख ली हैं। अब भाई ये ली कितने की है और भाई ये क्यों ली है सारी इसके ओनर से पूछेंगे भाई। तो भाई वेलकम टू आवर चैनल। तो भाई सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये आपने गाड़ी कब कितने टाइम पहले ली है भाई? हो गया होगा 3-4 दिन ही हुए बस। 3-4 दिन ही हुए हैं भाई ये बात तो। अब ये ली कितने की है फिर भाई? ये कम से कम मेरे पड़ गई 82 की। 82 की? तो भाई वो मैं बोल रहा था ना 82 की, तो मतलब आज के टाइम पे अगर एक स्प्लेंडर लेने चले जाते हैं हमें तो वो भी नहीं मिलती है भाई। स्प्लेंडर बाइक तो मतलब यूँ बोलते हैं सबसे सस्ती होती है भाई, वो भी आज के टाइम पे नहीं आ पाती है। तो भाई बीट लेने का क्या रीज़न है? बस भाई अपना तो गाड़ी गुड्डी ना थी फिलहाल। अच्छा थोड़ा बहुत शौक करना है, शौक शौक के कारण अब मिल गई भाई गाड़ी। भाई गाड़ी बढ़िया है, कोई दिक्कत होनी गाड़ी में, बढ़िया माइलेज दे है। कंडीशन तो देख ही ली भाई, और इंजन भी बिल्कुल साइलेंट है भाई, ऐसा नहीं है कि 13 साल पुरानी होगी तो मतलब उसमें आवाज़ हो कोई, इंजन में भी ऐसे सच कोई आवाज़ नहीं है। गाड़ी का A1 है, कभी इंजन जिस तरह कंपनी का आई थी ना आज की गाड़ी का पेंट भी नहीं करवा लिया। हाँ हाँ वो तो देखा मैंने, बताया भी था भाई कि गाड़ी बिल्कुल अपनी साफ है वही। और मतलब माइलेज कितने की दे रही है अब? 3-4 दिन हो गए चलाते। माइलेज भाई फिलहाल तो लंबे रूट पे 17-18 की दे दे पेट्रोल में। अच्छा अच्छा इतनी तो बहुत है भाई, इतनी तो 12 इंजन इतनी देगी भाई, इससे ज़्यादा देगी भी नहीं है। तो भाई ये थी कुछ गाड़ी, आप सेटिस्फाई हो मतलब गाड़ी से इससे? हाँ भाई बिल्कुल है। तो भाई ये थी कुछ गाड़ी ऐसी रिव्यू इसका। और भाई 82,000 मतलब यार बाइक तक नहीं आती, अगर हम बाइक लेने चले जाएँ तो भाई उसमें भी मतलब बाइक नहीं आएगी भाई, और इतने में गाड़ी आ गई। और देखो कंडीशन भी देखो गाड़ी की भाई, ऐसा नहीं कि भाई हमने 82,000 रुपये दे दिए और भाई ऐसी कोई खटारा वगैरह लेके आ गया भाई, बिल्कुल चलने में भी ओके है भाई। और बाहर से भी ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत है इसके ऊपर, बिल्कुल साफ़ है गाड़ी भाई, कोई एक्सीडेंटल नहीं है। तो भाई ये थी अपनी आज की वीडियो, आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। और भाई लगी हो अच्छी तो भाई
प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।